तो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक न्यू स्मार्टफोन के बारे में जो कि अब इंडिया मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि सैमसंग सभी तरह के स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, चाहे हम बात करें महंगे स्मार्टफोन की चाहे हम बात करें मिड रेंज प्राइसिंग की। दोनों ही कैटेगरी में सैमसंग के स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और सैमसंग अब अपना अभी तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी A13 होगा, जो कि अब काफी सारी वेबसाइट पे जो है लिस्ट हो चुका है, जहां से इसके सभी स्पेसिफिकेशन जो है कंफर्म हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और साथ ही में जानेंगे इस फोन के फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। अगर आप भी एक्साइटेड हैं इस स्मार्टफोन को लेकर तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको पीछे 53 रियर कैमरा जो है देखने को मिलेगा, जो कि इंडिविजुअल सर्कुलर के साथ आएगा। तो ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है देखने में। वहीं इसके बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल, USB चार्जिंग पोर्ट और 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और इसके पावर बटन पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को मिलता है। वहीं सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आपको 3 कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इस फोन में आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। वहीं इस फोन के कैमरे के बारे में बात करें तो ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 15 मेगापिक्सल का ISOCELL GN प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है देखने को मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है। वहीं सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है इन्फिनिटी वी डिजाइन के साथ। वहीं डिजाइन और कैमरे के बाद बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले जो है देखने को मिलता है। तो ये स्मार्टफोन एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन होने वाला है, तो इस प्राइस रेंज में आपको यही डिस्प्ले जो है देखने को मिलता है। वहीं बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity सीरीज का 700 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो है डिसेंट देखने को मिलता है। वहीं सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आपको 12 5G बैंड का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है। वहीं इस फोन में आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज जो है देखने को मिलती है। वहीं इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर 15W का ही फास्ट चार्जर जो है देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं इस फोन के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के ऊपर। तो ये स्मार्टफोन आपको 20 फरवरी को देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। बाकी इस फोन की प्राइसिंग आपको 13,999 जो है देखने को मिलेगी, यानी कि ये स्मार्टफोन सैमसंग की ओर से काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग के साथ जो है आने वाला है। और इस फोन में आपको स्पेक भी ठीक ठाक जो है देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगता है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।